अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, ब्रेकआउट से रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि आप ट्रेडिंग में मिनिमम लॉस के साथ अच्छा खासा पैसा बना सकें, तो यह ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। ब्रेकआउट के कंसेप्ट को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के ट्रेडिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इन्वेस्टिंग के ऑडियो बुक समरीज आगे भी मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं समरी को, जिसका नाम है हाउ टू मेक मनी विद ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जिसके लेखक हैं इंद्रजीत शांताराज। उन्होंने कई सालों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बाद एक गाइडलाइन डॉक्यूमेंट के रूप में यह बुक लिखा है। चैप्टर 1, ब्रेकआउट क्या है। स्टॉक प्राइस डिफाइंड सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को हाई वॉल्यूम के साथ जब भी ब्रेक करता है तब ब्रेकआउट होता है। सपोर्ट में ब्रेकआउट होने पर ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन लेता है और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट में लॉन्ग पोजीशन। क्या कभी ब्रेकआउट फेल भी होता है? हाँ, ब्रेकआउट भी फेल होता है, जिसे फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। जब भी प्राइस रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक करता है बट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं होने के कारण प्राइस सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू नहीं कर पाता। अब देखते हैं डायरेक्शन और मोमेंटम कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। बेसिकली मार्केट में दो तरह से पैसा फ्लो होता है। फर्स्ट स्मार्ट मनी, जो इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर, बिग स्टॉक्स, जो अपने मनी और इन्फॉर्मेशन के दम पर मार्केट को डायरेक्शन और मोमेंटम देते हैं। सेकेंड सोर्स है डंप मनी, अनप्रोफेशनल ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर, जो क्विक मनी बनाने के मकसद से मार्केट में आते हैं। डंप मनी इनके द्वारा ही आता है, क्योंकि स्मार्ट मनी मार्केट को डायरेक्शन और मोमेंटम देता है, इसलिए स्मार्ट मनी को फॉलो करना एक अच्छा डिसीजन साबित होता है। डाउन ट्रेंड के दौरान एक से ज्यादा लो पर अगर प्राइस रिजेक्शन दिखता है, मींस स्मार्ट मनी नहीं चाहता कि प्राइस नीचे आए, इसलिए स्मार्ट मनी ऊपर की ओर प्राइस को पुश करता है। ऐसे केस में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी आप स्मार्ट मनी को फॉलो करें, दो बातें याद रखें। फर्स्ट, स्मार्ट मनी से कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड में एंट्री लें। सेकेंड, अगर स्मार्ट मनी एग्जिट कर रहे हैं तो आपके पास भी एग्जिट करने का प्लान होना चाहिए। स्मार्ट मनी के डायरेक्शन में ट्रेड लेना एक प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित होता है। इसके अलावा एक रिटेल ट्रेडर के पास अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से एंट्री और एग्जिट का प्लान होना चाहिए। ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम के मेन तीन कंपोनेंट हैं। फर्स्ट, प्रॉपर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना। सेकेंड, रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना। और थर्ड, ट्रेड एग्जीक्यूशन। इन तीन टॉपिक्स पर आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2, इसमें आप जानेंगे कि एक ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। चार्ट पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले मालूम करें कि चार्ट स्टॉक ऑपरेटर नहीं हो और प्राइस स्मूथ ही रहे, अन्यथा इन दोनों के प्रेजेंस में आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चार्ट में अगर सेलिंग वीक्स और बाइंग वीक्स बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो इस मार्केट को अवॉइड करें, और जिन भी मार्केट में आपको बहुत ज्यादा गैप्स दिखाई दे उन्हें भी अवॉइड करें, क्योंकि यह क्लियरली एक ऑपरेटर स्टॉक है। ऑपरेटर स्टॉक में कई दिनों तक कोई एक्टिविटी नहीं होता। अब देखते हैं एक ट्रेंड लाइन क्या होता है। ट्रेंड लाइन बेसिकली चार्ट पर एक स्ट्राइट लाइन है, जिनमें दो या दो से ज्यादा प्राइस पिक्स को कनेक्ट किया जाता है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करते जाता है, जिससे एक एक्सलेंट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है। तीन पॉइंट जो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के दौरान याद रखनी है। फर्स्ट, प्राइस पिक्स, मींस प्राइस लो या हाई। सेकेंड, स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन। और थर्ड, प्राइस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करे। ट्रेंड लाइन को वैलिड होने के लिए कम से कम दो हाई या लो कनेक्ट हो। जब ट्रेंड लाइन सिर्फ प्राइस लो को कनेक्ट करता है तो यह एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन होता है, और इसी तरह जब प्राइस हाई को कनेक्ट करता है तो यह एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन होता है। ट्रेंड लाइन में जितने ज्यादा प्राइस हाई या प्राइस लो कनेक्ट होते हैं, यह उतना ही ज्यादा पावरफुल ट्रेंड लाइन बनते जाता है। अब आते हैं ट्रेंड लाइन के स्लोप पर। आइडियली जिन ट्रेंड लाइन का स्लोप एंगल 45 डिग्री से कम होता है उन्हें सेफ बेट माना जाता है, क्योंकि यह एक हेल्दी ट्रेंड का साइन है। जब भी ट्रेंड लाइन का स्लोप इंक्रीज होते जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वैलिडिटी भी डिक्रीज होने लगता है। ऐसे ट्रेंड लाइन जो क्विक मूव के साथ बनते हैं, इनका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाने का चांसेस भी कम हो जाता है।
अगर ट्रेंड लाइन 3 से ज्यादा वैलिड पॉइंट को कनेक्ट करता हो फिर भी यहाँ पर ट्रेड लेना एक अच्छा डिसीजन नहीं होता। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, प्राइस वुड रिस्पेक्ट ट्रेंड लाइन। जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इंश्योर करें कि प्राइस हर प्राइस लो या प्राइस हाई पर ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करें। चैप्टर 3, हाउ टू डिसाइड अ जेन्युइन ब्रेकआउट इन 60 सेकंड्स। 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एक रियल ब्रेकआउट को फेक ब्रेकआउट से सेपरेट करते हैं। फर्स्ट, बिग ब्रेकआउट कैंडल। सेकंड, क्विक टाइम। थर्ड, absence of opposite party response, and fourth, good volume. इन फैक्टर्स को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट, बिग ब्रेकआउट कैंडल क्रूशियल प्राइस लेवल पर स्मार्ट मनी के इन्वॉल्वमेंट को दर्शाता है। सेकंड, क्विक टाइम, ट्रेंड लाइन स्मॉल रेंज कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, ब्रेकआउट हमेशा सिंगल कैंडल से ही हो। लेखक का यह भी मानना है कि अगर ब्रेकआउट स्मॉल रेंज कैंडल से होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि प्राइस बिग मूव नहीं करेगा, करता है, बट यह इस सिस्टम के स्कोप के बाहर है। थर्ड, ऑप्शंस ऑफ अपोजिट पार्टी रिस्पॉन्स। अगर कैंडल में सेलिंग वीक बिल्कुल नहीं होता तो यह क्लियरली इंडिकेट करता है स्मार्ट मनी के इन्वॉल्वमेंट को। अगर कैंडल साइज के कंपैरिजन में सेलिंग वीक नेग्लिजिबल है तो भी आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेलिंग वीक कैंडल साइज के 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, गुड वॉल्यूम। गुड वॉल्यूम स्मार्ट मनी के इन्वॉल्वमेंट को दर्शाता है। कृपया नोट करें, ब्रेकआउट से पहले अगर कंसोलिडेशन हो तो ब्रेकआउट को रियल माना जाता है। फोर्थ चैप्टर, एग्जीक्यूशन मैटर्स अ लॉट इन ट्रेडिंग। एज ए ट्रेडर ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको इन 5 फैक्टर्स का ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपके सिस्टम के आधार पर आपका एंट्री पॉइंट कहां पर होना चाहिए। सेकंड, अगर आपका ट्रेडिंग सेटअप फेल हो तब आपका स्टॉप लॉस कहां पर होगा। थर्ड, और आप अपने प्रॉफिट को कहां पर बुक करेंगे। फोर्थ, एक पर्टिकुलर ट्रेड में आप कितना अमाउंट रिस्क में डाल रहे हैं। फिफ्थ, आप अपने इंटायर पोर्टफोलियो को कितना अमाउंट इस ट्रेड पर रिस्क ले रहे हैं। जब भी आप इन सवालों को अपने आप से पूछते हैं तो यह आपके ट्रेड को बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद करता है। सारे क्वेश्चंस हर तरह के ट्रेडिंग में अप्लीकेबल हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये सवाल आपके ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम के लिए प्लान को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। डाउन ट्रेंड के दौरान जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट कैंडल के हाई से कुछ पॉइंट ऊपर में एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो के कुछ पॉइंट नीचे सेट करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट हुआ है इसलिए आप टॉप स्विंग एज अ टारगेट ले सकते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 होना चाहिए, अन्यथा आप इसे इग्नोर कर सकते हैं और बेहतर सेटअप के लिए वेट करें। एंट्री आपको ब्रेकआउट कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर लेना है, नीचे नहीं। और यदि मार्केट ब्रेकआउट कैंडल के 2% अबव ओपन होता है तब भी आपको एंट्री नहीं करना है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर साइडवेज ट्रेंड में ब्रेकआउट हो तो साइडवेज ट्रेंड के विड्थ को टारगेट के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 होना चाहिए, अन्यथा आप मार्केट से बाहर। अब आते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर। अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट सेटअप के लिए सारे कंडीशन फुलफिल हो गए और ब्रेकआउट कैंडल के बाद का कैंडल अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो से ट्रेल करके नेक्स्ट कैंडल जो अभी अपोजिट डायरेक्शन में बना है उसके लो के नीचे लगाना है। यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में क्विक बिग मूव को कैप्चर करने में फेल हो गया। ब्रेकआउट के क्राइटेरिया के हिसाब से प्राइस को सेलिंग वीक के अब्सेंस में क्विक टाइम में बिग मूव को कैप्चर करना था। यहाँ पर अगर स्मार्ट मनी बाइंग करना कंटिन्यू रखते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, अन्यथा नीचे या साइडवेज। ऊपर वाले एग्जांपल में ब्रेकआउट कैंडल के बाद का कैंडल अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया और स्टॉप लॉस को सेम लेवल में मेंटेन रखने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। और जब ब्रेकआउट कैंडल के बाद का कैंडल डोजी या स्मॉल कैंडल हो तब भी आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने का एक मकसद है अपने रिस्क को मिनिमाइज करते जाना। नेक्स्ट, हाउ टू टेक योर एग्जिट टू द नेक्स्ट लेवल। फर्स्ट, आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना है, हर एक ट्रेड को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है और हर फेल्ड ट्रेड को एनालाइज करें। सेकेंड, टारगेट हिट होने के बाद
75% पोजीशन साइज को एग्जिट कर दें और रिमेनिंग 25% को स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की मदद से होल्ड करें। कई बार ऐसा होता है कि 25% का पोजीशन साइज आपका 25 ट्रेड के लॉस को रिकवर कर देता है। कैसे? आप ट्रेडिंग में पैसे खोने से बचेंगे। अब तक जो भी आपने जाना या सक्सेसफुल ट्रेडिंग का 10% है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट प्राइमरी की है। इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है और आप अपने टोटल कैपिटल का कितना परसेंट ट्रेड में डालेंगे। नेक्स्ट, क्यों स्मार्ट मनी भी कुछ मार्केट कंडीशन में फेल हो जाते हैं। बेसिकली मार्केट 4 ट्रेंड में मूव करता है। फर्स्ट अप ट्रेंड, सेकेंड डाउन ट्रेंड, थर्ड साइडवेज, फोर्थ रैंडम ट्रेंड। आपका एक्सेलेंट ट्रेडिंग सिस्टम भी आपको 2 या 3 मार्केट स्टेजेस पर ही रिवार्ड देता है। चैप्टर 5, टॉप क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन ब्रेकआउट ट्रेडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ब्रेकआउट कंसेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं? लेखक का आंसर, नहीं, क्योंकि यह सिस्टम इंडियन रिटेल ट्रेडर के लिए बनाया गया है जो स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ब्रेकआउट कंसेप्ट का यूज करते हुए फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या ट्रेड ले सकते हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना रिस्क मैनेजमेंट और वोलेटिलिटी के पर्सपेक्टिव में एक डिफरेंट गेम है। आपको और भी अन्य चीजों पर मास्टरी करनी पड़ेगी, जैसे एक्सपायरी टाइम एंड वोलेटिलिटी फैक्टर। थर्ड क्वेश्चन, क्या ब्रेकआउट कैंडल के हाई से पहले एंट्री ले सकते हैं? एनालिसिस करना एक पार्ट है और मार्केट से कन्फर्मेशन लेना दूसरा। जब भी आप ट्रेड इनिशिएट करें, मार्केट से कन्फर्मेशन जरूर लें। स्मार्ट मनी का इंटेंशन तभी कंफर्म होता है जब ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक हो, इसलिए ब्रेकआउट कैंडल से पहले ट्रेड इनिशिएट करना एक अच्छा आइडिया नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन, क्या इस कंसेप्ट में ज्यादा कैपिटल लगा सकते हैं? अगर आपके पास सिग्निफिकेंट कैपिटल हो, फिर भी आपको छोटे कैपिटल के साथ ही स्टार्ट करना है, जब तक कि आप इस सिस्टम के साथ मार्केट के 4 स्टेज को क्रॉस नहीं करते हैं। कॉन्फिडेंट होने के बाद आप ज्यादा कैपिटल लगा सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ब्रेकआउट कंसेप्ट का यूज करते हुए क्या दिन में 5 से ज्यादा ट्रेड ले सकते हैं? अगर आप बिगनर हैं तो कभी भी अपने कैपिटल का 50% से ज्यादा एक पॉइंट में यूज नहीं करें। अगर आप इस सिस्टम के साथ मार्केट के 4 स्टेजेस को ओवरकम कर चुके हैं तो आप मार्केट में ज्यादा कैपिटल लगाना सीख जाएंगे। सिक्स क्वेश्चन, क्या कैपिटल के 10% से ज्यादा अमाउंट पर ट्रेड लगा सकते हैं? मार्केट में बने रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कम्पेयर टू एक साथ सब कुछ खो देना। सेवन क्वेश्चन, ब्रेकआउट कंसेप्ट में स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करें? फर्स्ट, जब भी आप ब्रेकआउट कैंडल के हाई पर ट्रेड लेते हैं तो तुरंत ब्रेकआउट कैंडल के लो पर अपना स्टॉप लॉस लगाएं। सेकेंड, अगर ब्रेकआउट कैंडल के बाद का कैंडल छोटा हो तो अपना स्टॉप लॉस को इसके लो पर ट्रेल करें। थर्ड, अगर ब्रेकआउट कैंडल के बाद का कैंडल भी अगर बिग कैंडल हो तब भी आपको नेक्स्ट कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। फोर्थ, अगर आपको बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न या बिग सेलिंग पिंक बार दिख जाए तब भी आपको अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे ट्रेल करना है। फिफ्थ, इसके अलावा अन्य सभी केसेस में आपको स्टॉप लॉस नेक्स्ट स्विंग के लो के नीचे ट्रेल करते जाना है। फिफ्थ, जब आपका टारगेट हिट हो जाए तब आप मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर के साथ एग्जिट कर सकते हैं। अब आते हैं इस बुक के लास्ट पॉइंट पर, 10 लेसंस जो लेखक ने ट्रेडिंग के दौरान सीखे। फर्स्ट, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है ना कि प्रेडिक्शन गेम। सेकंड, हर वक्त एक्सीलेंट ट्रेड अपॉर्चुनिटी को कैच कर पाना इम्पॉसिबल है। थर्ड, अगर लगातार आपको ट्रेड में लॉसेस हो रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ, जब आपको लगता है कि मार्केट में आप सब कुछ जानते हैं तो नेक्स्ट ट्रेड में ही आप बिग मनी लॉस कर जाएंगे। फिफ्थ, अगर आपने कोई भी ट्रेड में मनी लॉस किया है इसका मतलब आपने मिस्टेक्स की और इस मिस्टेक से सीख लें। सिक्स्थ, अगर आप दूसरे ट्रेडर के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखते हैं तो आप इमोशनल बैलेंस खो देंगे। सेवन, मार्केट में आपको हर दिन पैसा बनाने पर फोकस करना चाहिए ना कि लोगों के अप्रिसिएशन या ज्यादा फॉलोअर्स बनाने पर। एट, किसी के साथ बिना रीजन के आर्ग्यू नहीं करें। अगर आप मार्केट में पैसा बना रहे हैं तो आप सही हैं। नाइन्थ, ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट आपका ईगो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेंथ, प्रॉफिट को मेंटेन करना सीखें या सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। अगर आप ट्रेडिंग के नेचुरल लॉस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जैसे रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज, स्ट्रेटजी एंड
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, लो ऑफ लार्ज नंबर और कंपाउंडिंग रिटर्न्स, जो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में मदद करता है। तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीक्रेट्स ऑडियो बुक समरी सुन सकते हैं, जिसके लेखक रेनार्ड टियो हैं। आप इस ऑडियो बुक की मदद से हर लो को बेहतर तरीके से डिटेल में जानेंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्पफुल नॉलेज मिला। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें।